ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जन कल्याण समिति के बैनर तले लमड़ू में समिति के द्वारा समाज सेवक प्रकाश चंद शर्मा की अध्यक्षता में 101 महिला मंडलों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के पूर्व सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने मुख्य अतिथि शिरकत की व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा वशिष्ठ अतिथि मौजूद रहे। भारतीय जन कल्याण समिति के बैनर तले लमड़ू में समिति के द्वारा समाज सेवक प्रकाश चंद शर्मा की अध्यक्षता में 101 महिला मंडलों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के पूर्व सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विलास वेदांती ने मुख्य अतिथि शिरकत की व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा वशिष्ठ अतिथि मौजूद रहे। समारोह में समिति के द्वारा 101 महिला मंडलों को पूर्व सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती ने सम्मानित किया। फुरगास शर्मा, सोनी शर्मा, संतोष शर्मा, फुरगास शर्मा, संतोष शर्मा, साहब जी पूर्व सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती ने बताया कि भारतीय जन कल्याण समिति द्वारा 101 महिला मंडलों के सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें समारोह का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हर गांव में जाकर पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाया जाए। उन्होंने धारा 370 व 35A को खत्म करने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के ऐतिहासिक फैसले को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। भारतीय जन कल्याण समिति द्वारा हिमाचल प्रांत के समीरपुर में एक समाज सेवी कार्यक्रम हिमाचल के गांव तक और हिमाचल के घर घर कैसे हम लोगों के बीच में जाकर जनता की सेवा कर सकें और ऐसे जो लोग हैं जो भूखे हुए दबे हुए कुचले हुए जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं ऐसे लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए, इस संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जन कल्याण समिति के द्वारा हुआ, उसी में आया हूँ। मिशन मोदी अगेन PM के माध्यम से और यहाँ की जनता को विश्वास देकर गया था कि नरेंद्र मोदी को दोबारा मैं प्रधानमंत्री बनाऊँगा और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद 370 धारा समाप्त होगी, 35A समाप्त होगा और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। हमने जो वचन यहाँ के लोगों को दिया था वो वचन पूरा करके तब मैं फिर से हमीरपुर आया हूँ। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का ही काम किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया कि उन्होंने 5 वर्षों से हिंदू मुसलमानों और सभी वर्ग के लोगों को आपस में मिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वे सभी को माननीय है और जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और मुझको विश्वास है कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को आपस में मिलाने का काम किया था लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और 5 वर्षों तक देश में हिंदू मुसलमानों को मिलाने का काम किया, सामाजिक समरसता का काम किया। 2019 के चुनाव में उन्होंने सबका साथ सबका विकास के साथ में सबका विश्वास का नारा दिया और सबका विश्वास जो उन्होंने प्राप्त किया उसी का ये परिणाम है कि आज भाजपा 300 के पार पहुंच गई और इस समय पार्लियामेंट चल रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषित किया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनेगा, मुझे ऐसा लगता है वो भी जल्दी आने वाला है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसे लेकर बलिदान हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काम को नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिन विचारधाराओं को लेकर के समाज के बीच में आई थी अपने उन विचारधाराओं को समाज के बीच में रख करके और समाज के हर वर्ग के लोगों को मिलाकर सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना सबको मिलाकर काम किया है। इसलिए
आज इस सभा में मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर और देश में सामाजिक समरसता कायम करने का मंगलमय दिव्य काम किया। जो सियासी ड्रामा है वो शिवसेना ने किया है। शिवसेना ने अपने धर्म को, अपने इरादा को, अपने विचारों को कांग्रेसियों के हाथ में बेच दिया है और उसका ये दुष्परिणाम था कि भाजपा सरकार वहाँ नहीं बन पाई, एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस की एक हो गई। लेकिन मैं आप सबको वचन देता हूँ कि जो सरकार बनेगी भी तो सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, 2-4 महीने पहले चल जाए।